अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो एंड रमज़ान की सारी बरकतें हम कोशिश करें कि इस रमज़ान हम हासिल करें, विच इज़ बाय ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सारे रोज़े रखें, सबसे इम्पोर्टेंट कुरान की खूब 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 तिलावत करें और हो सके तो कोशिश करें कि एटलीस्ट इफ नॉट यू नो पूरा कुछ एटलीस्ट हम एक सफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़े ताकि कुरान हमारे अंदर उतरे, कुरान का मैसेज हमारे अंदर उतरे। हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़कात को प्रॉपर तरीके से निकालें। एंड मैं तो कहूँगी अभी ही कुछ दिन रह गया तो कोशिश करें कि आप लोग फ़ौरन हिसाब किताब कर लीजिए और जिस जिसको देना है दे दीजिए ताकि बाकी के लोग भी अपना रमज़ान खूबसूरती के साथ और आसानी के साथ कर सके। एंड यस, ये महीना मगफिरत वाला है। यही वो महीना है जब मूसा अलैहि सलाम, दाऊद अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आसमानी किताबें उतरी थी। तो ये बहुत बरकतों वाला महीना है। अल्लाह इस महीने में जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपने अमाल को, अपनी इबादतों को इतना स्ट्रांग बनाए कि हम इस तरीके से हो जाए कि अल्लाह कहे कि मेरा बंदा जो गेट से घुसना चाहता है जन्नत, उस गेट से घुस जा और अपनी जिंदगी को चेंज करने का, तब्दील करने का ये मौका जाने ना दे। अस्सलाम वालेकुम।